वेल हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आपकी अपने काइन मास्टर से आप अपने वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं और कम एमबी में कैसे कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हाय, दिस इज अनुज यादव, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले अपने काइन मास्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। काइन मास्टर को डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले अपने काइन मास्टर को ओपन करना होगा। काइन मास्टर को ओपन करना करने के बाद अब हम आपको बताएंगे अपने फ़ोन स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने काइन मास्टर को ओपन करना होगा। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको सिंपली से 16.9 पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करके काइन मास्टर को ओपन करके अपनी गैलरी से अपनी वीडियो को चूज कर लेना है। वीडियो को चूज करने के बाद आपको शुरुआती सब्सक्राइब लाइक शेयर वाला अपना सिस्टम को सही कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली से अपनी वीडियो को एडिट करना शुरू करना है और अपनी वीडियो को थोड़े थोड़े भागों में बांट लेना है। आप देख सकते हैं कैसे मैं अपनी वीडियो को थोड़े थोड़े भागों में बांट रहा हूँ। आपको सिंपली से ऐसे ही अपनी वीडियो को पूरे वीडियो को ऐसे ही थोड़े थोड़े छोटे टुकड़ों में कर लेना है। तो दोस्तों, आपको सिंपली से अपने लेयर पर क्लिक करने के बाद एसाज में मीडिया पे जाना है। अपनी एक फ़ोटो को चूज करने के बाद आपको इसको अपने क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाके इसका शेप चूज कर लेना है। आपको जैसा शेप चाहिए वैसा आप चूज करके अपने फ़ोटो को सही कर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रहा हूँ। तो आपको सिंपली से वैसे ही करना है। तो दोस्तों, इसको अब हम थोड़ा सा छोटा करके वो साइड में लगा देंगे। आप देख सकते हैं दोनों एक जैसे हो चुके हैं। तो अब इसी तरह से हम अपना ये जो चैनल का नाम है वैसे ही उसको सेव करेंगे। तो इसको लेयर पर सिंपली से करके इसको हम एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर मेरा चैनल का नाम टेक पोस्टेड है, तो अपने चैनल का नाम हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ से अपने कलर को चूज कर लेना है, कलर या पहले आपको अपने फॉन्ट को चूज कर लेना है। फॉन्ट को चूज करने के बाद आपको सिंपली से इसका कलर को चूज करना हैगा। इसके कलर को चूज करने के बाद कलर आपको रेड रखना है इसका। इस कलर को चूज करने के बाद आपको सिंपली से इसका साइज अपने हिसाब से रख कर को साइड में इसको लगा देना है। आप देख सकते हैं दोनों एक जैसे हो चुके हैं। अब इसको ये साइड में आप देख रहे होंगे सब्सक्राइब लिखा है। सब्सक्राइब वाले आपको अब ऐसे ही सब्सक्राइब को टाइप करना है। सब्सक्राइब को टाइप करने के बाद इसको सिंपली से आपको कलर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको साइड में इसको लगा देना है। सिंपली से इसको आपको फॉन्ट चेंज करना है। चेंज कर सकते हो, अपना वैसे ही रख सकते हो या फिर तो इसको पूरे में खींच करके पूरे में कर देंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये आपका पूरा ऐसे एडिट हो चुका है। अब हम इसको क्रोमा की का यूज करेंगे। आप देख सकते होंगे अरे ये क्रोमा की में यूज करने की का आपको पता होना होगा कि आपका ग्रीन बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम ग्रीन बैकग्राउंड हो है आपके वीडियो में है तो आप क्रोमा की का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को चूज करना होगा। आप कोई भी बैकग्राउंड अपने फ़ोन या गैलरी से ले सकते हैं। गैलरी से नहीं तो आपके काइन मास्टर में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप अपनी वीडियो को चूज कर लेंगे। वीडियो को चूज करने के बाद सिंपली से अपने वीडियो को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये वीडियो है, इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। अब हम सिंपली से अपने ये वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपने क्रोमा की वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो को सही करके अपने हम क्रोमा की वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो का बैकग्राउंड हट चुका है। आप अपने हिसाब से इसको सही भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं अपनी वीडियो में। इसमें आप देख सकते हैं हम चाहे दूसरा भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। अब ये देख लो, चाहे ये वाला बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड वो वाला हट के दूसरा लग चुका है। तो दोस्तों, हमें अपने आउटरो को लगाने के लिए सबसे पहले अपना बैकग्राउंड को चूज करना होगा। बैकग्राउंड को चूज करने के बाद सिंपली से आप हमें यहाँ पर टाइप करना होगा अपने हिसाब से, जिस वीडियो आप जैसा भी अपना टाइप करना चाहें आउटरो में। हम यहाँ पर अपना टाइप कर रहे हैं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर इसको टाइप करके उसके नीचे स्लाइड करके हम अब लिखेंगे
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आप देख सकते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, यहाँ पर ये टाइप करके आप देख सकते हैं हम लिख रहे हैं इसको। इसको लिखने के बाद अपने हिसाब से इसको सेट करके अपने हिसाब से इसका कलर चेंज, फॉन्ट कलर सब कुछ इसका चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको लिख कर अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।